धनतेरस के दिन एक पात्र बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन जरूर भगवान धनवंतरी का अवतार इसी दिन हुआ है, पात्र खरीदना चाहिए, भगवती का पूजन करना चाहिए और बड़े प्रेम से दान पुण्य भी करना चाहिए। आज के दिन धनवंतरी भगवान अर्थात आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज लोगों के अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है, शून्य। अरे भक्तिहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की कोई स्त्री हो। एक सुंदर महिला है, सारा श्रृंगार कर लो और बाद में उसकी नाक काट लो तो बिना नाक के उसकी सुंदरता कोई काम करेगी? जैसे बिना नाक की नक्कटी महिला अशोभनीय है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य अशोभनीय है, उसकी कोई शोभा नहीं है। भक्ति के बिना आदमी मुर्दा है। भक्ति के बिना जीव कैसा है? मुर्दा। इसलिए भक्ति हमारी नाक है, तो भक्ति जीवन में हो। आजकल लोग भक्ति की परिभाषा ही बदल चुके हैं। आज लोग भक्ति क्या मानते हैं? दो अगरबत्ती जला देते हैं, उन्हें लगता है पूजा हो गई, यही भक्ति है। दो अगरबत्ती जला दिया भक्ति मान लेते हैं। ना जी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति का मूल अर्थ क्या है? ये जरा समझने की बात है। किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति का अर्थ सिर्फ दो अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो हम सनातनियों को जलाना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में अगरबत्ती में बांस होता है और हम हिंदुओं को बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। हर छठ महुलिया को किसकी पूजा होती है? बांस की पूजा होती है। आप लोग करते हैं, वंश पूजा बोलते हैं। हर छठ महुलिया को बांस की टोकनी भी देना लेना लोग करते हैं। तो बांस नहीं जलाते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ धूप जलाने की पद्धति है। क्या जलाना चाहिए? अगरबत्ती नहीं, क्या जलाना है? धूपम समर्पयामी है, अगरबत्तीम समर्पयामी नहीं है। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, धूप दीप है तुलसी से। यहां अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जलानी शुरू कर दी, क्योंकि पहले जमाने में धूप ऐसी आती थी कि उसको हाथ से जरा मसलना पड़ता था तो लोगों के हाथ गंदे होते थे। तो अब तो सूखी धूप भी आ गई। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग अगरबत्ती जला के लोगों को लगता है हम पुजारी, बहुत बड़े भक्त हैं हम भगवान के। हमारी माताएं एक लोटा जल चढ़ाती हैं माता जी को, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हैं। नवरात्रि चल रही है, माताओं का हाथ पूज पाए तो पूज पाए माता जी तक, नहीं तो शेर के मुंह में ही मिठाई चिपका देती हैं। माता जी के मुंह तक हाथ पहुंचता नहीं है, नहीं माता जी के मुंह को ही बिगाड़ दे पूरा मिठाई चिपका चिपका के। माताओं को लगता मिठाई चिपका देंगी तो माँ खा लेंगी। शंकर जी के मंदिर में नंदी जी के मुंह में चिपकी रहती है मिठाई, माताएं चिपका देती हैं। आपके घर में माता जी की फोटो है, उस फोटो के माथे पे ऐसा तिलक लगाया, ऐसी रोली लगाई, कुमकुम लगाया कि माता जी का फोटो से माथा ही गायब हो गया, खत्म, डिलीट हो गया। और इसको वो समझती हैं कि ये हमारी भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, पागलपन है, मूर्खता है। बिना ज्ञान की भक्ति किस काम की? भक्ति क्रिया का नाम नहीं है, समझो। तिलक लगाना ये क्रिया है, हम कर रहे हैं ना, हमसे क्रिया हो रही है। तिलक लगाना, धूप फूल चढ़ाना,
फलानी चीज चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये क्रिया है। जबकि भक्ति का क्रिया से कोई लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। नारियल चढ़ाना भक्ति नहीं है, मिठाई चढ़ाना भक्ति नहीं है, पैसा चढ़ाना भक्ति नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा देना माता जी को, शंकर जी को, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? ये तो कर्म कांड है जो आप कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से कर लेते हैं आप लोग। भक्ति क्या है वो समझो। भक्ति बताओ, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? बोलो मेरी माँ, जोर से, गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया सिर से? ना जी, जब आए तो चरण धोए। क्या कभी शबरी ने भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाई? जरूरत ही नहीं। भक्ति का अर्थ नारियल चढ़ाना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं है। जल चढ़ाना चाहिए किसे? हमारे यहां जल केवल सूर्य भगवान को चढ़ता है, भगवान शंकर को, शिव को भी जल चढ़ता है। भगवान शिव को जल चढ़ता है, सूर्य भगवान को जल रोज सुबह चढ़ाना। हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को जल किसे चढ़ाना चाहिए? पहला जल किसे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को। जैसे आपके घर में मंदिर है छोटा सा, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें एक थाली में रखो तुलसी के ऊपर और फिर उन्हें स्नान कराओ। वो स्नान कराना है, स्नान कराओ, कपड़े से पोंछो, उनका श्रृंगार करो, बिठाओ, भोग लगाओ। वैसे ही करना है जैसे एक माँ अपने बेटे को नहलाती है, नहलाकर पोंछती है, पोंछकर कपड़े पहनाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। उसी तरह भगवान के प्रति भी वही भाव हो कि भगवान हमारे अपने हैं, और एक प्रेम हो, भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो, फॉर्मेलिटी ना हो, है ना? मेरी माँ, भक्ति एक प्रेम का सब्जेक्ट है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम है वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। क्यों? जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। आप अपने बेटे के लिए क्या आप ये कहती हैं, आप बैठिए, आप खा लो बेटा? ऐसा नहीं, ए तू खा ले बेटा, कहाँ है, खाया क्यों नहीं अभी तक? भोजन रख दिया था ना, खा ले जल्दी से। माँ अपने बेटे से कैसे बात करती है? एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम पूछते हैं, आप भोजन करेंगे? आप भोजन कर लीजिए, आप प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग रिश्तेदारों से, आए हुए अतिथियों से। लेकिन हम बेटे से, ए भोजन रखा, खा लेना, हम जा रहे हैं, निकाल के खा लेना, ये क्या है? बोलो, ये अधिकार है। क्या है ये? ये एक माँ का बेटे के प्रति क्या है? अधिकार। माँ बेटे को डांट भी सकती है, माँ बेटे को अधिकार से कह सकती है, तूने भोजन क्यों नहीं किया, रख के गई थी, खा लेता। कहे बेटा कि आज तो आपने बनाया नहीं, अरे तो तू बना लेता। क्यों? ये माँ का क्या है बेटे के लिए? जोर से बोलो, जोर से, अधिकार। जैसे एक माँ अपने बेटे पर अधिकार जताती है,
जैसे एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जताती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान पर अधिकार जताए, मेरे भगवान है। ये अधिकार तो आजकल है नहीं लोगों का, आप अधिकार तो जताती नहीं हो, बस लिपाई पुताई चालू है। पूरा चंदन यहां आप जरा 1 किलो रोली रख दो लाके, और माताओं से कह दो कि आप जरा पूजा कर लो, जितनी समाएगी मुट्ठी में उतनी फेंक फेंक के मारेंगी, कहेंगी पूजा चल रही है, पूरा रंग देंगी, बिना होली का होली हो जाए, उनको लगता है यही पूजा है। जहां खड़ी है वहीं से चावल फेंक फेंक के मारेंगी, उनको लगता है ये पूजा है। ये सब फॉर्मेलिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत, भगवान से सच्चा प्रेम हो बस। कैसा प्रेम हो? विशुद्ध। विशुद्ध मतलब कोई कामना ना, सच्चा प्रेम भगवान से हो। आजकल तो हमारी माता 16 सोमवार व्रत रखती हैं, 17वीं सोमवार हिसाब करने पहुंच जाती। हां भोलेनाथ जी, 16 सोमवार हो गए, बहू के बेटा ही हो, 16 सोमवार का ये फल दो हमें, है ना। माताओं, केवल माताएं नहीं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित हैं। ये भक्ति नहीं है। आज लोगों ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी है। आज लोग भक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं। यदि आदमी का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो लोग कहते हैं भगवान अच्छे हैं, यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो लोग भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं, अरे भगवान तो झूठे हैं, हम तो भगवान को नहीं पूजते, ऐसा लोग कहते हैं। हम तो नहीं मानते, भगवान ने हमें क्या दिया? कुछ देंगे तब तक भगवान को मानेंगे, कुछ नहीं देंगे तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं करते लोग। इसका अर्थ है ये भक्त नहीं, ये स्वार्थी है। इसलिए क्या हो और क्या ना हो, भगवान से क्या हो, प्रेम हो, और वो भी निष्काम प्रेम, विशुद्ध प्रेम। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई कामना नहीं है, भगवान से केवल सच्चा प्रेम कीजिए, सच्चा प्रेम। एक पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करे और कभी कुछ ना मांगे, एक पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करे कभी कुछ ना मांगे, तो फिर देखो इनका जीवन कितना सुंदर होता है। लेकिन आजकल लोग प्रेम करके कुछ मांग लेते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं, वो तो आप अपने स्वार्थ के लिए एक दिखावा कर रहे थे। क्यों जी? कोई आपसे प्रेम का दिखावा करके कुछ मांग ले तो परिणाम तो यही निकला कि वो जो प्रेम दिखा रहे थे वो प्रेम नहीं था, वो छलावा था। एक्चुअली आपको तो अपनी एक इच्छा पूरी करनी थी, स्वार्थ पूरा करना था। तो देखो, भगवान से प्यार हो, भगवान से व्यापार ना हो। अब आप कहेंगे, आपका एक सवाल और खड़ा होगा कि महाराज जी, फिर भगवान से हम कुछ तो भगवान से ही तो मांगते हैं, और किससे मांगने जाएं? हाँ, भगवान से ही मांगना चाहिए और किसी से नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो ये बातें कैसे लागू होंगी जरा समझिएगा। बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से सच्चा प्रेम करता है और कोई कामना नहीं रखता, उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना मांगे भगवान उसकी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें अपने आप पूरी कर देते हैं, कोई कामना ना हो। मैं अगर मांगूं तुम्हें, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं भिखारी बन जाऊंगा। मैंने आपके घर काम किया और आपने मुझे पैसा दे दिया, तो ये तो मजदूरी है ना। क्यों जी, ये क्या हुआ? मजदूरी है। उसी तरह आपने 16 सोमवार का व्रत रखा और 17वीं सोमवार को कहा हे भगवान ये दे दो, तो ये क्या भगवान ने दे दिया? तो वो तो मजदूरी पूरी हो गई कि आपने किया तो आपने ले भी लिया, हिसाब बराबर। भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के लिए आंसू बहाइए। भगवान से सच्चा प्रेम वैसा जैसा माँ बेटे से करती है, करिए।
पर कोई चाहत ना हो, निष्काम। जैसे माँ अपने बेटे की सारी सेवा करती है, नहलाती धुलाती मल मूत्र धोती है, कपड़ा पहना कर स्कूल भेजती है, बीमार पड़ी हो तो भी बच्चे का काम करती है, बताओ जरा माँ का बच्चे से स्वार्थ क्या है? माना कि कभी बुढ़ापे में ये स्वार्थ जाग जाए कि बेटा मुझे गिलास भर पानी पिलाए और दो रोटी खिलाता रहे, तो ये तो बेटे का फर्ज है ही, उसे तो करना ही चाहिए। पर सच्ची बताएं, माँ जो अपने बेटे का काम करती है ना, उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता, होता है? सारा काम करती है, जितना काम माँ करती है अपने बेटे के लिए, उतना काम यदि कोई नौकरानी से कराओगे तो बेटा उस नौकरानी को सारी जिंदगी कमा कमा कर लाकर देगा तो भी उसका ऋण ना उतार पाएगा। अरे माँ की जगह नौकरानी यदि तुम्हारा काम करे तो तुम उसके भी ऋणी हो जाओगे। तो माँ ने तो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, बेटा कितना भी कुछ करके सिर काट के माँ के कदमों में रख दे तो भी कोई बेटा धरती का माँ का ऋण ना चुका पाएगा। ऐसा प्रेम करती है माँ, जितना प्रेम माँ अपने बेटे से विशुद्ध प्रेम करती है, वही प्रेम यदि एक भक्त अपने भगवान से करने लग जाए तो कोई चाहत रह ही नहीं जाएगी। आप कहते हैं भगवान से हमने ये मांगा, मत मांगो, प्रेम करो बस, वो अपने आप जान लेंगे कि मेरे भक्त को, जैसे माँ छोटे से बच्चे को जान जाती है कि कब इसे भूख लगेगी, कब इसे पानी चाहिए, कब इसे भोजन चाहिए, अपने आप माँ बिना कहे बच्चे के भाव को समझ लेती है। उसी प्रकार बिना कहे भगवान अपने भक्त के भावों को समझ लेते हैं। मांगना नहीं पड़ता, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से क्या करना है, केवल सच्चा, केवल प्रेम। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बाप के 4 बेटे हैं और चार में बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, तो उस बेटे का नाम ज्यादा ले रहा है, इससे अर्थ क्या निकल रहा है, कौन बताएगा इस बात को? एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 में 1 का नाम बेटा, एक का नाम बाप ज्यादा लेता है, तो बताइए उसका बार बार नाम लेने का अर्थ क्या है? बोलो मेरी माँ, अर्थ ये है कि उस बाप को उन 4ों में उस बेटे से ज्यादा प्रेम है जिसका वो बार बार नाम, क्या ये सत्य है? बोलो हाँ या ना। एक बाप के 4 बेटे हैं, बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, मतलब बाप को उस बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम है। अरे जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसी का नाम ज्यादा लेता है। यदि आपको भगवान से प्रेम है तो भगवान का नाम ज्यादा लिया करो। बोलो जय श्रीमन्नारायण। अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो, मर जाओगे, भगवान का नाम नहीं निकला और संसार का चिंतन करते करते मर गए, नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने से बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। और हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप साधु बन जाओ, ना जी, हम ये कहते हैं कि काम बराबर करो, काम खूब करो, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। किसान हो, खेती करते हो तो खेती करते रहो और श्रीमन्नारायण 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 का जाप करते रहो। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो तुम्हें अच्छा लगे वो जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो, मैया बर्तन धुलती रहो और नाम जपती रहो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अंत में ना पति काम आएगा ना पुत्र काम आएगा, अजामिल का ना पुत्र काम आया ना पत्नी काम आई, अंत में भगवान के मुंह से नारायण का नाम निकल गया वही काम आएगा। धन वही है, पायो जी मैंने राम रतन धन। काम कौन सा धन आएगा? ये तुम्हारे कागज के टुकड़े, ये तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती, जमीन जायदाद दुकान मकान सब यहीं रह जाएगा। जाएगा तो केवल तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भक्ति,
वही तुम्हारा असली धन है।